हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ स्केल्स। बेसिकली जैसे आपने बहुत सारे रेप्टाइल्स में देखे होंगे स्केल्स जो उनके स्किन के ऊपर होते हैं, तो वो हम लोग किस तरीके से नैनो मेश का यूज़ करके अचीव कर सकते हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास स्क्रीन पर एक सिलेंडर है और इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अप्लाई कर देते हैं कोई कस्टम मटेरियल इसके ऊपर एंड मेक पॉलीमर 3D। अभी हमारे सीन में एक सिलेंडर आ चुका है। अब बस आपको क्या करना है, जफलू हिट करना है, गिज़्मो आ जाएगा और आपको इसको इस तरीके से स्केल कर देना है। स्केल करने के बाद अगर आप देखोगे आपकी मेश ख़राब हो चुकी है, स्ट्रेच हो गई है बेसिकली, तो हम लोग इसको वापस यूनिफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करोगे आप, आपको जाना है पॉलीग्रुप्स के ऊपर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बाय नॉर्मल्स। जैसे ही आप इसको हिट करोगे, ये देखिए आपका टॉप बॉटम जो भी है सब पे अलग अलग पॉलीग्रुप्स आ गए हैं। तो ये बहुत ही हैंडी टूल है, ये आपके सारे अलग अलग एंगल्स में जो भी प्लेन्स हैं उसके ऊपर अलग अलग पॉलीग्रुप्स अप्लाई कर देगा। और इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री में रीमेशर के साथ। तो रीमेश हम लोग करने वाले हैं, अगर आप सिंपली ऐसे ही रीमेश करोगे तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके का मेश मिलेगा। आपके पॉलीग्रुप्स जा चुके हैं जो भी आपने सेपरेट किए थे, इवन जो मेश का फ्लो है वो भी कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस तरह से हैं। तो अंडू कर दीजिए इसको और यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन कर देंगे कीप ग्रुप्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब रीमेश करोगे तो आपके रीमेश के बाद भी ये पॉलीग्रुप्स आपको यहीं पे मिलेंगे। सेकंड, अगर हम लोग इसका जो पॉली है वो बहुत लो कर दें, टारगेट पॉली काउंट, तो आपको एक बहुत ही लो पॉली मेश और इन पॉलीग्रुप्स के साथ मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी फॉर अस। और हम लोग अब क्या करेंगे, सिमेट्री ऑन कर देंगे। सिमेट्री ऑन करने का फ़ायदा ये है रीमेशर में कि अगर आप सिमेट्री ऑन करके रीमेशिंग करते हो तो आपको दोनों तरफ सेम मेश मिलेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक बहुत ही लो वैल्यू लाइक 0.4 और 0.5 समथिंग कुछ रख देंगे और रीमेशर पे हिट करेंगे। जैसे आप ये करोगे आपको एक बहुत ही बढ़िया सी मेश मिल जाएगी इस तरह की। अभी देखो जो हमारे पास टॉप और बॉटम है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, अगेन क्लिक कर दीजिए, इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे नीचे जाके हम लोग कंट्रोल शिफ्ट क्लिक कर देंगे, ये भी हाइड हो जाएगा। अभी हमें इस सिलेंडर का जो इनर साइड है वो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर जाके आप डबल पे हिट कर सकते हो। जैसे डबल पे हिट करोगे आपको विजिबिलिटी पूरी होने लगेगी। अब जो हमने भी टॉप और बॉटम सेलेक्ट किए थे ना, जिसको हमने अभी हाइड किया है, वी आर गोइंग टू डिलीट देम, उनको डिलीट करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर मॉडिफाइड टॉपोलॉजी डिलीट करें, इसको कर दीजिए। अभी वो डिलीट हो गए हैं। कंफर्म करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के कैनवस पे क्लिक करिए, अगर कुछ भी वापस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो डिलीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ रेप्टाइल जैसा पैटर्न कुछ क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पैटर्न भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो पैटर्न बनाने के लिए मैं एक ब्लैंक सीन लूँगा, उसमें एक फिर से एक सिलेंडर ले लूँगा और वापस फ्रेम कर लीजिए इस सिलेंडर को अपनी स्क्रीन पर, मेक पॉलीमर 3D। और इसके बाद हम लोग इसकी हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमें स्केल्स बनाने, स्केल्स बहुत थिक तो होते नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा थिन कर लेंगे। और ये जो बहुत सारे लूप है ना, इसके लिए हम लोग वही सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ भी पॉलीग्रुप्स ग्रुप बाय नॉर्मल। और इसके बाद हम लोग जाएंगे रिमेशर के अंदर कीप ग्रुप्स, वैल्यू बिल्कुल कम कर दीजिए, लाइक 0.2 कर देते हैं लेट्स से। सिमेट्री शुड बी ऑन, सिमेट्री आपको ऑन होना चाहिए, सो मेक श्योर कि आपका सिमेट्री वर्क कर रहा है। एंड नाउ रीमेश, ये देखिए, तो जैसे हमने ये किया हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप मिल चुका है। अभी हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, W हिट करिए, कंट्रोल के साथ ऊपर वाले पॉलीग्रुप पे हिट कर दीजिए, उससे क्या होगा बाकी सब मास्क हो जाएंगे और ये स्क्रीन पर अकेला बचेगा। अभी हम लोग सिमेट्री बंद कर दीजिए एक्स दबा के, एक्स प्रेस करके कीबोर्ड पे, और ये आपका सेंटर पिवट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए तो आपका जो पिवट है वो वापस सेंटर पर आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा स्केल डाउन कर देते हैं और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग हमें बेवल मिल रहा है, ये देखिए ऐसा। तो अगर आपको ये शेप मिल चुका है और अब आप इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह लासो लगा लीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट क्लिक। जैसे आप ये करोगे देखिए पूरा रिंग हाइड हो जाएगा, इसको इन्वर्स कर दीजिए, कंट्रोल W, कंट्रोल W से क्या होता है एक अलग न्यू पॉलीग्रुप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वापस कंट्रोल शिफ्ट क्लिक ऑन कैनवस, ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा पॉलीग्रुप अप्लाई कर लिया है। अभी क्या करना है, बस जी मॉडलर ब्रश के ऊपर जाना है और ये जी मॉडलर ब्रश रहा और हम लोग किसी भी फेस के ऊपर जाएंगे इस पॉलीग्रुप के, और यहाँ पर हम लोग करेंगे पॉलीग्रुप आइलैंड Q
QMesh. QMesh हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रूड करने के लिए, तो आपको QMesh पे जाना है और यहाँ पे पॉलीग्रुप आइलैंड के ऊपर जाना है क्योंकि ये एक आइलैंड बन चुका है अब एक पॉलीग्रुप का, और इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये देखिए। अब इसको भी अगर हम चाहें कि ये जो एज है दोनों ऊपर की इनको बेवल कर दें ताकि थोड़ा सा और फील आए 3D वाला, तो हम लोग इस एज के ऊपर जाएंगे, कर्सर रखेंगे, स्पेस बार होल्ड करेंगे, बेवल के अंदर जाएंगे, मेक श्योर कि आपका एज लूप कंप्लीट ये ऑन होना चाहिए ताकि आप पूरे एज लूप को बेवल कर सको। अब आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है, जैसे ही आप करोगे ये देखिए वो बेवल होने लगेगा, जितना आप ड्रैग करोगे उतना आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेम वैल्यू जो आपने यहाँ पे अचीव की है, अगर सेम वैल्यू यहाँ पे पेश करनी है तो सेकेंड टाइम इसको क्लिक करके ड्रैग मत कीजिएगा, सिंपली बस आपको क्लिक करना है इस एच पे या किसी भी एच पे, जैसे ही क्लिक करोगे बूम ये देखिए, तो क्या होगा आपका जो एच था वो उसी सेम वैल्यू के साथ एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर शेप अचीव कर लिया है। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, डब्ल्यू हिट कर सकते हैं, डब्ल्यू हिट करने के बाद यहाँ पे गियर का एक ऑप्शन आएगा, देखिए क्लिक कीजिए इसके ऊपर डिफॉर्मर के ऊपर, और कंट्रोल ऑल के साथ इस इन वर्टेक्सेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हम लोग मूव कर देंगे इसको ऐसे, थोड़ा कर्व हो जाए, कंट्रोल ऑल थोड़ा सा इसको भी ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से, देखिए और इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसको थोड़ा नैरो कर सकते हैं हल्का सा, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये करने के बाद हमारे पास अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रश में चले जाएंगे और इस शेप को एक ब्रश में अटैच कर देंगे। तो उसके लिए हमें ब्रश पे जाना है, क्रिएट पे जाना है एंड क्रिएट इंसर्ट मैश। ये आपसे बोलेगा कि भाई आपको न्यू ब्रश बनाना है या फिर जो अभी का ब्रश है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसको रिप्लेस करना है, तो हमें उस पर रिप्लेस नहीं करना, अपेंड नहीं करना, न्यू चाहिए, तो आप न्यू पे हिट कर दो। और उसके बाद फिर आपको जाना है क्रिएट नैनो मिश ब्रश, इसके ऊपर आपको हिट करना है, ये पूरा गेम चेंजर ब्रश है। और अभी हम लोग आएंगे हमारे सिलेंडर के पास, अभी आप इसको स्ट्रेट कर दो, वायर फ्रेम चाहो तो ऑन कर लो, और ये देखिए यहाँ पर आने के बाद अगर आपका सिमेट्री ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है हमको। आप किसी फेस के ऊपर जाइए, ऑल पॉलीगन्स इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर सिंगल पे लगा कर रखोगे, ड्रैग करोगे तो सिंगल पे ही आएगा, अगर आपको सब पे चाहिए तो ऑल पॉलीगन्स एंड नाउ ड्रैग, ये देखिए तो सबके ऊपर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये साइज रखा अभी ड्रैग करके, अब हम लोगों को इसको और थोड़ा बैकर बनाना है, तो हम लोग आ सकते हैं यहाँ पर नैनो मेश के ऊपर, और यहाँ पर देखिए आपके पास विड्थ चेंज करने के लिए लेंथ, आपको विड्थ चेंज करना है, विड्थ चेंज कर सकते हो आप, अगेन मैं वन कर देता हूँ, आपको लेंथ चेंज करना है, लेंथ चेंज कर सकते हो आप। अभी आप देखोगे जब मैं विड्थ और लेंथ चेंज कर रहा हूँ सब रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट में और इसमें बोल देंगे अलाइन टू नॉर्मल। अब ये बिल्कुल फिट हो गया आपके फेस के ऊपर, अभी आप लेंथ विड्थ जो भी करोगे वो सब कुछ बिल्कुल बिंदास होगा। और ये देखिए अगर आपको मूव करना है तो मूव भी हो जाएंगे, है ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में, ये देखिए इस तरीके से। रोटेशन करना है तो आप रोटेशन यहाँ से कर सकते हो, एक्स वाई जी रोटेशन, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन है, ये हमारा जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन है, तो आपको जिस भी एक्सिस में रोटेट करना है उसमें आप करा सकते हो, ये देखिए। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर मूव किया, और जैसे ही ऊपर मूव किया अब आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारे पास ये जो पैटर्न बन रहे हैं। तो आपको इसमें खेलना है, देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसमें आपको वॉक करना है, आप हाइट वाइट जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो। और ये देखिए जैसे हमने विड्थ तो कम कर दिया, बिल्कुल सेट हो चुका है हमारे फेस के ऊपर। तो आप इस तरीके से बहुत ही कूल रेप्टाइल्स के लिए स्किल्स बना सकते हो, और नॉट ओनली दिस, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये हो गया, अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अभी आप इसको जैसे ही ऑफ करोगे ये देखो वो चला जाएगा वापस। तो अगर आपको इसको परमानेंटली चाहिए तो इन्वेंट्री के अंदर वन टू मैश ऑप्शन होगा, इस पर हिट कर दीजिए, अब ये मैश में कन्वर्ट हो चुका है, है ना। अभी आपको इसको थोड़ा सा पोज करना है लाइक स्नेक या किसी इस तरह की चीज़ के लिए, रेप्टाइल जैसा, तो डब्ल्यू हिट करो आप, एंड देन आपको फिर यहाँ पर बेंड आर्क नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ा सकते हो इस टूल का यूज़ करके, ये देखिए नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मैंने बढ़ा लिए हैं, और अब मैं चाहूँ तो इनको आराम से पोस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए
ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना इजी है। तो इसको कुछ ऐसा कर देते हैं कुछ, और थोड़ा सा कर्वी बना देते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना इजीली हम लोग ये वॉक कर रहे हैं, कितना आसानी से इसको हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, और अगर आपको इसको इवन थिन भी करना है ना, फॉर एग्जांपल एक टेल पार्ट आपको थिन करना है, तो ये देखिए सेकंड एक ऑप्शन यहाँ पे एक आ रहा है, ये आप इसको, ये स्केलिंग के लिए होता है, इसको आप जैसे ही नैरो करोगे ये नैरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और नैरो कर देते हैं, तब बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है इसे। हाँ अभी ज़्यादा ईजी है देखने में, ये देखिए। ये देखिए, और अब आप देखोगे तो हमारा जो शेप है वो रेडी हो चुका है, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इवन पोज भी कर दिया है। इसको थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप स्केल्स बना सकते हो अपने किसी भी मॉन्स्टर के लिए, आप कोई भी रेप्टाइल बना रहे हो उनके लिए। बेसिकली आप देख सकते हो जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी आई है यहाँ पर। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का ये टूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।